और आज दीपावली है, हमारे सब्सक्राइबर द्वारा हमें माला मिली गई थी। पर क्या माला बनाना कोई काम नहीं होता? इसमें कोई वर्क मतलब मेहनत नहीं लगती है? तो ये पापा को मिला है ऑफिस से। हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ मैं आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मध्वेश्वर वैली में और अपनी मध्वेश्वर वैली के प्यारे से गांव भटवाड़ी में। पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से मेरी पूरी YouTube फैमिली को हैप्पी दीपावली। तो आप सभी लोग ज़रूर बताना आपकी दिवाली कैसी गई। तो दिवाली मेन वैसे छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली हम जिसे बोलते हैं, तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो छोटी दीपावली का होने वाला है। 2 दिन की दीपावली होती है ना, तो शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। ये दोस्तों, ये माला है हमारे सब्सक्राइबर द्वारा हमें दी गई थी, तो इनको हम यहाँ पे लगा रहे हैं फ्रंट दरवाजे पे, जो हमारा पहला दरवाजा है जैसे हमारे कमरे में प्रवेश होता है। ये वैसे आपने काफ़ी टाइम नहीं देखोगे यहाँ से अंदर जाते, क्योंकि हम दूसरा दरवाजा भी तो उधर से जाते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ से हमने ये फ्रंट पर कील लगाते हैं कि फ्रंट में माला लगा दिया है। कुछ तो हम जो सब्सक्राइबर द्वारा दी गई वो लगाएंगे, कुछ हम हाथों से बनाई हुई लगाएंगे, मतलब रियल फूलों की माला बनाएंगे जो कि पूजा घर के लिए मेन होगी। तो प्रणाम, कैसे हो? हम सब बढ़िया है। और आज दीपावली है, हमारे सब्सक्राइबर द्वारा हमें माला मिली गई थी और मैंने ये लगाई, बता देना कैसे लगा रखी है और कमेंट भी करना। और आप सब लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो सब्सक्राइबर है हमारे उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, तो हमारी प्यारी YouTube फैमिली ने हमें ये गिफ्ट की थी, तो हमने ये फ्रंट डोर पर लगा दी हैं। तो दोस्तों, लक्ष्मी पूजा तो कल है और दीपावली आज है, छोटी दीपावली। तो अभी यहाँ पर मैं एक बार मालाएँ बनाऊँगी डेकोरेशन के लिए, और जो मेन मालाएँ होती हैं पूजा घर मंदिर में चढ़ाई जाती है और हमारी गाय की पूजा की जाती है, वो मालाएँ मैं कल लक्ष्मी पूजा के दिन बनाऊँगी। आज मैं फ़िलहाल घर के डेकोरेशन वाली मालाएँ बनाने वाली हूँ, तो अब बने रहना आप मेरे साथ ब्लॉग में। यहाँ पर दोस्तों, मैं माला तो बना रही थी पर साथ ही साथ मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे। आई मीन अभी भी मैं बचपन में ही हूँ, बट जब मैं छोटी थी तो मेरी दीदी भाई, हम तीनों भाई बहन ना मिलकर माला बनाया करती थी, जो कि बहुत ही मतलब मेमोरेबल है, जिस चीज़ की मुझे याद आ गई। क्योंकि आज के दिन पर मेरी दीदी अपने ससुराल है, मेरा भाई घर पर नहीं था और मैं यहाँ पर अकेले माला बना रही थी, नहीं तो हम तीनों भाई बहन ना साथ में मिलकर हमेशा यहाँ पर माला बनाया करते थे। तो माला बनाते बनाते बीच में मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी, और पता है क्यों भी, कुछ पर्सनल रीज़न था, अब वो चीज़ तो मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती। बट यहाँ पे मुझे सेट कर दिया गया था, जिससे मतलब मुझे थोड़ा बहुत रोना भी आ गया था। हो जाता है यार, मैं बहुत मतलब मुझे कोई चीज़ हर्ट करती है ना, तो मतलब मैं बस रो लेती हूँ, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आराम से मालाएँ बना रही थी दोस्तों, तो साथ ही साथ मैं दीपावली में अपनी दीदी अपने भाई को भी मिस कर रही थी बहुत ज़्यादा यहाँ पर। उसके बाद मैं ब्लॉग में ज़्यादा दोस्तों कुछ बोल नहीं रही थी, बस अपना सैड मुंह लेकर पूरा काम कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैं मूड अपना भी ख़राब कर रही हूँ, पर बाद में मैंने पछताना है, इसलिए मैंने अपना काम छोड़ा नहीं, काम कर ही रही थी। तो यहाँ पर मैंने सारी दीवारों पर ये मालाएँ लगा दी थी, इतनी बड़ी मैंने माला बनाई, पर मेरी जितना मतलब मैंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा छोटी बन गई थी ये माला, क्योंकि दोस्तों उसके पीछे रीज़न था, मैंने टाइम तो सही टाइम पर बैठ गई थी, पर मुझे बीच में बहुत ज़्यादा काम के लिए इधर उधर भेजा गया, इसलिए मैं पूरी माला नहीं बना पाई। वैसे मैंने सोचा था कि मैं पूरी लॉन्ग माला बनाऊंगी, फिर दोस्तों मैं इतनी ही बना पाई यहाँ पे से लेके। वैसे सोचा मैंने ऐसा था कि वहाँ से लाऊंगी और यहाँ से उधर तक ले जाऊँगी, मतलब यहाँ तक ले जाऊँगी, पर यहाँ तक ले जा नहीं पाई मैं, माला छोटी पड़ गई। आगे कल करूँगी, फिर ऊपर के दरवाजे के लिए भी बनाना है मुझे, ये ऊपर का कमरा है, तो कर लूँगी ऐसे में। अभी दोस्तों मैंने इधर की साइड ये माला लगा दी है, बीच में मैंने यहाँ से यहाँ तक लगा दी है, और कमरों में लगानी बाकी है, उसके लिए मैं कल लगाऊंगी, बिकॉज अभी मैं बना सकती थी पर मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है, तो कल बनाती हूँ इसको आगे। अभी दोस्तों अब 12 भी बज चुके हैं, 1 भी बजने वाला है, खाना दिन का खाना बनने वाला है, बट मेरा अभी सुबह तक नाश्ता नहीं हुआ है, मैं सुबह का नाश्ता कर लेती हूँ और चीज़ें होती रहेंगी। तो अब मैं खाना खा थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस, दिवाली का टाइम है तो मूड ऑफ तो नहीं रखना चाहिए। अभी एक गुड न्यूज़ है, पापा जी आ चुके हैं घर, जैसे दिवाली है ना, तो अभी मैं पापा जी से भी आपको मिलवाती हूँ। पापा जी आते ही मेरा ब्लॉग देख रहे हैं यहाँ पे, तो
हेलो पापा जी, सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं पापा की तरफ से। और पापा जी सभी लोग नमस्कार। तो पापा जी आज घर आ गया दीपावली के लिए। तो दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सारे घर आते हैं, मतलब अपने अपने घर आते हैं, छुट्टियां होती हैं। तो सुना आज घर पर, मतलब पापा घर पर आ गए हैं और भाई जो है मेरा वो दिल्ली है, मतलब बड़ी मम्मी के साथ है, बड़ी मम्मी दीदी के यहाँ है और दीदी तो ससुराल है, दीदी का घर अब वो है तो वहाँ से दिवाली सेलिब्रेट करेगी। तो वैसे यहाँ पर आई थी दीदी, पर दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए दीदी अपनी ससुराल ही गई। और पहले ना हम तीनों भाई बहन बहुत, तो ये त्यौहार आता था ना तो काम डिवाइड होता था, कोई माला बनाता था, कोई कुछ बनाता था। वैसे लक्ष्मी पूजा काफ़ी लोग बोल रहे आज है, कोई काफ़ी बोल रहे कल है, तो आज मैंने नहीं की, मतलब आज हमने की भी नहीं तो टाइम भी नहीं था, टाइम भी नहीं मिला। और पापा जी भी अब आ रहे तो कल ही लक्ष्मी पूजा होगी, क्योंकि काफ़ी लोग आज बोल रहे हैं पर काफ़ी कल भी बोल रहे हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजिंग सा है। जो भी होगा अब हम कल करेंगे। तो अभी चलो ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ क्योंकि टाइम ही मिलता है। फिर अभी दोस्तों पापा जी घर आए तो दिवाली की तो कुछ लाएंगे। अब एक और मिठाई है, ये तिल सकरी, तिल सकरी है इसका नाम, मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता था, यहाँ पर लिखा हुआ है तिल सकरी। तो और यहाँ पे दूसरा डब्बा है, देखिए ये यहाँ पे नानी की देखी मिठाई, ये वाला फट गया आएगा, इस वजह से हमने कुछ खा दी है, ये देख सकते हो आप। ऑफिस से मिला ये पापा को, ऑफिस से मिला है गिफ्ट, ऑफिस से मुझे भी गिफ्ट मिला था, एक मिठाई का डब्बा और कुछ बोनस में प्राइस मिला, बोनस मिला था, तो उसके हमें कहा था कि कुछ भी खरीद सकते हो। तो ये पापा को मिला है ऑफिस से, ऑफिस से दूसरा एक और है, इसमें भी है। अब ये कौन सी मिठाई है, एक मुझे भी मिला था ऑफिस से, वो तो मैंने कुछ खा भी ली है, वो मिठाई है वो बाहर है। और इतने सारे बॉक्स मिले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 मिठाई के बॉक्स अपने खाते हैं गाइस, आप सभी के लिए भी आइए। तो यहाँ पे चाय और पेठे का आनंद लिया जाएगा, ये देखो गाइस। तो ये देखो दोस्तों सारी जगह लोगों के, पूरे गुप्तकाशी से लेकर पूरे हुकीमठ से लेकर सबकी लाइट लग चुकी है, हमारे यहाँ पे भी लाइट लग चुकी है। अभी दोस्तों आप देख सकते हो पूरा घर कैसे जगमगा रहा है, तो सारी जगह मैंने कैंडल्स भी लगा दी हैं, ये देख सकते हो आप। थोड़ा हवा चल रही है ना तो कहीं कहीं भी, यहाँ देखो थोड़ा हवा भी चल रही है, तो मैंने दोनों साइड लगा रखी थी, हवा भी चल रही है थोड़ा हल्की हल्की, तो कैंडल्स ऐसे में बुझ भी रही है, बट मैंने सारी जगह लगा दी है। अभी दोस्तों रात का टाइम हो चुका है और मैं अभी थोड़ा गांव में जा रही हूँ, जो मेरी बुड्ढी जी यानी कि हम बाबा जी बोलते हैं उनके लिए मिठाई देने के, दिवाली की मिठाई दूध वगैरह देने के लिए। तो मिठाई भी मेरा मोस्ट बेस्ट है उनका, क्या हल्ला कर रहे लोग पटाखे फोड़ने के लिए। सारी जगह पटाखे फूटे जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी चलती हूँ बुड्ढी जी को मिठाई लेके आती हूँ, फिर मुझे पनीर पकौड़ा भी बनाना है। यहाँ पे मेरी बाबा जी पर डिग्री पास करी मैं। अभी दोस्तों बाबा के यहाँ पे आई थी, यहाँ पे प्यारे प्यारे दीपक जलाए हुए हैं सबके, आज बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट होती है दीपावली। तो ये देख सकते हो यहाँ पे भैया जी, हेलो भैया जी, हैप्पी दीपावली। फोन मगन हुआ भैया कैप्चर ना बोले खराब हुआ वहाँ। तो यहाँ पे भैया जी लगे हुए हैं दीपावली के पकवान बनाने में, क्या बना रहे भैया? भरी हुई सवारी दाल की, दाल की। यहाँ पे भाभी जी भी हैं, तो यहाँ पे भैया जी बता रहे रेसिपी, भैया बताइए भैया। ये उड़द की दाल की पकौड़िया है, जो है आलू गोभी वगैरह ये पकौड़िया जो है, तो उड़द की पकौड़िया बना रहे हैं भैया। हर कारोबार में शुभ माना जाता है, इनमें जो है तिल लगा के अच्छा।
कोई बात नहीं। तो भैया जी को सब आता है भाई, भैया जी टैलेंटेड है, यहाँ पे भैया बहुत टैलेंट है, यहाँ पे भैया जी बना रहे हैं पकौड़ियाँ। अच्छा, और भाभी जी उधर से पूरियाँ बना रहे, भरी हुई रोटियाँ बना रहे हैं। हाँ, ये आई हमारी बाबा जी यहाँ पे हैं। तो यहाँ पर है पूजा घर भगवान जी का, यहाँ पे है हमारी नई भाभी जी। तो यहाँ पे भाभी जी हैं, ये देख सकते हो, यहाँ पे भगवान जी सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। देखिए हरिणवा सब भी भगवान जी। बड़ी मुश्किल से घर आ गई हूँ, बाबा ने मुझे वहाँ से 1 से 2 घंटे रोक दिया था, तो सोचा था पनीर के पकौड़े बनाऊंगी, पर वहीं बिजी हो गई। और यहाँ पे भाभी जी ने हमें ये दाल से भरी हुई रोटी दी, उड़द की दाल की भरी हुई रोटी और पकौड़ी, मतलब रोटी बोली पूरी और दाल, काली दाल ना की पकौड़ी से नहीं, काली दाल उड़द और तिल डाला। अच्छा, बहुत टेस्टी हो रहा है भैया जी, अगर ब्लॉग देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। सॉरी दोस्तों, आपको तो पूछना ही भूल गई ना, सॉरी सॉरी सॉरी। पनीर की पकौड़ी है। तो आप मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए ना, ये पनीर के पकौड़े हैं जो मैंने बनाए थे, पर पापा ने बनाए होंगे। लीजिए दोस्त, पहले खाइए, बहुत टेस्टी हो रहा है। तो खाते हैं आप लोग भी, आप लोग बताना आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो।